सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू दिस क्लास। और ये हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। क्रैश कोर्स क्या, इसका नाम हमने दिया हुआ है 10 डेज क्रैश कोर्स, बट मोर और लेस क्रैश कोर्स नहीं रहा, ये डिटेल्ड कोर्स हो गया है। इतने डिटेल्ड में इतने बेहतरीन तरीके से मैंने आप लोग को रिमेनिंग चैप्टर्स पढ़ाए हैं, चाहे मैट्रिसेस हो, चाहे आपका कैलकुलस हो और चाहे आपका वेक्टर कैलकुलस हो। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज, चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज न्यूमेरिकल मेथड। तो 10 डेज क्रैश कोर्स का अब हमारा जो लेक्चर नंबर है, दिस इज लेक्चर नंबर 29। ठीक है, तो लेक्चर 29 पे हम आ चुके हैं। ईच लेक्चर इज ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, दो हर लेक्चर 2 आवर ड्यूरेशन का है। नाउ अब जो हमारा अब इस क्लास में आप लोग को पढ़ाऊंगा, वो आप लोग को पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल मेथड। देखिए, और इसका वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है इन गेट एग्जामिनेशन एज वेल एज इन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। ईएससी के हर ब्रांच में, ईएससी के एग्जाम के हर ब्रांच में ये इंक्लूडेड है, बट गेट एग्जामिनेशन के लिए इलेक्ट्रिकल वालों के सिलेबस में न्यूमेरिकल मेथड्स नहीं है। तो एक बार आप ये चीज देख लीजिएगा सिलेबस में, ठीक है। रीसेंट सिलेबस में ये हटा दिया गया है, बट सिविल मैकेनिकल में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। सिविल मैकेनिकल वाले स्टूडेंट इसे ध्यान से पढ़ेंगे, एज वेल एज कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट भी इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो अब तक हमने 28 लेक्चर में क्या क्या कवर कर लिया है, और 2 सेशन गाइज मेरे थे सारे के सारे फॉर्मूले वाले। आई होप आप लोगों ने फॉर्मूले की समरी बुक रिवाइज करी होगी, यस और नो? क्या समरी बुक आप लोगों ने रिवाइज करी है? बहुत बढ़िया यार, समरी बुक आप रिवाइज करिए और अपना कंटिन्यूएशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज न्यूमेरिकल मेथड्स। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, बट यस, इसके न्यूमेरिकल मेथड्स के मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दूंगा। क्लियर एवरीवन? तो आगे बढ़ते हैं गाइज, और आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल, जैसे कि हम अपना इंट्रोडक्शन देते थे, मेरा नाम अपूर्व मित्तल है और मैं डीटीयू का एलुमनाई हूं गाइज। अर्लियर मेरे कॉलेज को दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी बोला जाता था, और मेरी बीटेक हुई थी इन 2011। तो मैं 2007 से 2011 वाले बैच का ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। तो 2011 में मेरी बीटेक हुई, तब से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। बहुत मजा आता है मुझे पढ़ाने में यार, ठीक है। और अगर गैप आ जाता है पढ़ाने में, तो सच में मुझे बहुत, मतलब ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ। तो पढ़ाना मेरा एक पैशन है, ठीक है। तो और क्या क्या सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, आरसीसी पढ़ाता हूँ, स्टील पढ़ाता हूँ, स्ट्रक्चर पढ़ाता हूँ और सर्वेइंग पढ़ाता हूँ। क्या रीजन है, यही सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, बिकॉज मुझे 5 ईयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, ठीक है। 5 ईयर्स का मुझे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, और इंडस्ट्री में ये सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत काम आती है, आरसीसी, स्टील, स्ट्रक्चर और सर्वेइंग। तो गाइज, जब मैं साइट पे काम करता हूँ, तो सर्वेइंग, आरसीसी, स्टील का यूसेज बहुत होता है, इसीलिए इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने में मुझे बहुत आसानी रहती है और बहुत इजीली मैं पढ़ा पाता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है और वही चीज मैं स्टूडेंट्स को बता पाता हूँ, ठीक है। खुद भी मैंने कई सारे एग्जाम निकाले हुए हैं। गेट एग्जामिनेशन में जो मेरी बेस्ट रैंक बनी थी वो 124 बनी थी, एसएससी जेई में जो मेरी बेस्ट रैंक बनी थी वो ऑल इंडिया रैंक 191 बनी थी। तो ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, ठीक है। आप गूगल पे अगर अपूर्व मित्तल सर्च करेंगे, आपको मेरी अनअकैडमी की एक प्रोफाइल दिखेगी, तो उस प्रोफाइल पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऐसा पेज दिखेगा अनअकैडमी का, मेरा पेज अनअकैडमी के। इस पेज पे जब आप देखेंगे, अब ये डेटा चेंज हो चुका होगा, ये ऑलमोस्ट 9 लाख मिनट तक पहुंचने वाला है, 9 लाख मिनट, ठीक है। आप इमेजिन करो यार, बीच में मैंने क्लास नहीं ली तो भी इतना ज्यादा वॉच टाइम चला गया। इसका मतलब मोर देन 50 स्टूडेंट्स इज कंसिस्टेंटली वॉचिंग और गेटिंग द बेनिफिट, ठीक है। तो ये चीज है गाइस, आप अपूर्व मित्तल सर्च कर लो, मतलब आपको टॉप में दिखा देगा कितने सारे अपूर्व मित्तल है। बट यस, बिकॉज ऑफ दिस वॉच टाइम, बिकॉज ऑफ योर लव एंड कंसर्न, आप सबसे पहले मेरी ही प्रोफाइल देखेंगे, ठीक है। सो गाइस, आपको करना क्या है, सी ऑल पे क्लिक करिए, और सी ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस दिख जाएंगी, जैसे ये सारी मैथ्स की स्पेशल क्लासेस, 29 की 29 स्पेशल क्लासेस आपको मेरी मिल जाएंगी। आप देखिए और मैथ्स के सिलेबस को कंप्लीट करिए, और ये लाइफ टाइम रहेंगी। कभी भी मैथ्स में दिक्कत होगी, आप ये 20 और ये आगे भी 4-5 क्लासेस जाएंगी, ठीक है। आप वो लेक्चर्स देखिए, देखो कितने मजेदार लेक्चर्स हैं। मैथ्स आपकी पूरी की पूरी कवर यहाँ से हो जाएगी। बट यस, जैसे मैंने मैथमेटिक्स की क्लास ली है, उससे कई गुना अच्छी सर्वेइंग की क्लासेस हैं, जाके एक बार देखना यार, ये 43 लेक्चर्स हैं। अगर मैं अपने व्हाट्सएप के इनबॉक्स दिखाऊंगा ना यार, भरे हुए हैं मैसेजेस फॉर द एप्रिसिएशन ऑफ दीज लेक्चर्स। स्टूडेंट ने इतना एप्रिशिएट किया है सर्वेइंग के लेक्चर्स को, और कहने की बात नहीं है। मैथमेटिक्स आप कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं मेरे से, तो मैथ्स तो आप पढ़ ही रहे हैं यार, ठीक है। इतना पढ़ लिया है, न्यूमेरिकल मेथड के बाद एक चैप्टर बच जाएगा प्रोबेबिलिटी, वो भी मैं आपकी गेट से पहले, गेट एग्जाम से पहले मैं पूरा कवर करा दूंगा, ठीक है।
सो गाइज आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब पे आप अपूर्व मित्तल आरसीसी टाइप करेंगे, आपको मेरे आरसीसी के लेक्चर मिल जाएंगे, ये आप चेक करिएगा। इसमें मैंने WSM और LSM पढ़ाया है, जाके एक बार देखिएगा यार, बहुत ही मजेदार ये लेक्चर्स हैं, क्योंकि बेसिक्स है आरसीसी का। आपको अगर आरसीसी के बेसिक्स कवर करने हैं, आप अपूर्व मित्तल आरसीसी टाइप करिए, यू विल गेट माय लेक्चर्स, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट्स, इतने एफर्ट्स लगाने के बाद अन अकेडमी ने मुझे बेस्ट मैराथन और बेस्ट एजुकेटर का अवार्ड दिया था इन द मंथ ऑफ जुलाई 2020। सो ये जो अवार्ड है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यार आप जब हार्डवर्क करते हो और स्टूडेंट के लिए जब आप मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो यार इसका अप्रिशिएशन तो मिलता ही है यार, है ना यार। तो अन अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने टीचर्स को बहुत अप्रिशिएट करता है, ठीक है, उनके हार्डवर्क के लिए बहुत अप्रिशिएट करता है, स्टूडेंट्स को भी करता है। आप देखिए ना, स्टूडेंट्स के लिए कॉम्बैट वगैरह होते हैं, उसमें मैकबुक, आईफोन 11, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट्स आपको मिलते हैं, जस्ट कि आप एक मतलब आप एक एग्जाम में रैंक आ जाए, तो ये अप्रिशिएशन जो होते हैं ये यार ये बहुत अच्छे होते हैं। आप में से कोई अगर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, ठीक है, आप मेरी मेंटरशिप अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि 9 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, तो आपके इस पूरे सफर में मैं आपका साथ देता हूं, अगर आप चाहते हैं मैं आपका साथ दूं आपकी प्रिपरेशन में, सो डू यूज दिस रेफरल कोड ASM Live, ठीक है, ये मेरा रेफरल कोड है, ठीक है। स्पेशल क्लास ओपन करने के लिए भी यही कोड चाहिए होगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपको मेंटरशिप मिले आपकी एग्जामिनेशन जर्नी में, तो आप मेरा रेफरल कोड लगा सकते हैं। इस रेफरल कोड लगाने से आपका 10% आपके ऑफ हो जाएंगे इन योर सब्सक्रिप्शन फीस। ध्यान रखिएगा यार, इन योर सब्सक्रिप्शन फीस यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, ठीक है। सो अगर लास्ट मोमेंट पे अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो एक महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड, ये हो जाएगा 4950। और गेट 22 या 23 देना चाहते हैं, तो 12 मंथ या फिर 24 या 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके भी आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और इस चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा जो रेफरल कोड है इट इज वैलिड फॉर ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन जिसमें अन अकेडमी प्रिपरेशन कराते हैं। आप रिकमेंड कर सकते हो मेरा रेफरल कोड यार, कोई आपके कलीग या फिर कोई नोन अगर IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, भाई बंधु अगर आपका है, तो भी मेरा रेफरल कोड आप रिकमेंड कर सकते हैं। कम से कम 10% तो आपको ऑफ मिलेगा ही मिलेगा, और अगर आप इससे ज्यादा के लिए सोच रहे हैं, आप एक बार मुझे मैसेज कर दीजिए, हम डिस्कशन कर लेंगे कि और कितना मैक्सिमम डिस्काउंट, क्या कहते हैं, मेरे हाथ में जितना होगा वो मैं आप लोगों को दिलवा दूंगा। तो कम से कम 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है। आप एक बार कॉन्टैक्ट करिए, कोई भी नोन अगर आपका सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, हम इस बारे में डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर एवरीवन? सो आज का अध्याय गाइस चालू करते हैं, एक्साइटेड है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है यार, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, जस्ट बिकॉज कि यार स्टूडेंट इन चैप्टर्स को छोड़ जाते हैं और यार उनके मार्क्स फिर कम हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप इतना ईजी चैप्टर छोड़ के जाएं, पढ़ते हैं यार बहुत मजेदार तरीके से, पूरी एनर्जी के साथ। आप लोग फर्स्ट हेडिंग डालिए, ठीक है, और क्योंकि 2 से 3 दिन बाद अपनी क्लास भी हो रही है, तो यार और ज्यादा एक्साइटेड होंगे, एक रिदम बन जाता है, मेरा खुद रिदम बन गया था, बट यस तबीयत खराब हो गई, तो यार उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ यार, ठीक है। चलो आप हेडिंग डालिए, न्यूमेरिकल मेथड्स, न्यूमेरिकल मेथड्स। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, चाहे कैसी भी लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, ठीक है, कैसी भी आपकी लीनियर हो या नॉन लीनियर इक्वेशन हो, आप उसे सॉल्व कर ले जाओगे, उसके रूट्स निकाल ले जाओगे। कैसा भी इंटीग्रेशन हो, आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर ले जाओगे। कैसा भी डिफरेंशिएशन हो, आप न्यूमेरिकल मेथड से डिफरेंशिएशन भी फाइंड आउट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इन चैप्टर में हमें ये 3 चीजों के सॉल्यूशन पढ़ने हैं, तो आप हेडिंग डालिए न्यूमेरिकल मेथड, और इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस टू न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस टू नॉन लीनियर इक्वेशन। ये अब हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस टू नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन क्या आती है, जैसे x-4 = 0, ये लीनियर इक्वेशन है, बात समझ में आ रही है। तो x = 4 आपका हो गया, जहां पर 0 होगा। अब नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर मुझे चाहिए, जैसे x²-4x+3 = 0, ये नॉन लीनियर है, इसके रूट्स मुझे चाहिए होंगे, किस वैल्यू ऑफ एक्स पर ये जीरो होगी वो मुझे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, विल अप्लाई दी न्यूमेरिकल मेथड। तो इन सभी चीजों का जो बेसिक्स है वो क्या है गाइस, एक बेसिक मैं यहां पर लिख देता हूं, दैट इज इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। इससे हम क्या करेंगे, ये एक बेसिक है, इस बेसिक से हम लोग आगे फॉर्मूले डिराइव करेंगे। तो आप लोग फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, दैट इज इंटरमीडिएट
इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। और बहुत ध्यान से सुनिए, बिना कॉपी पेन अभी लिखिए नहीं, और एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। मान लेते हैं एक मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फंक्शन कि कहां से कहां तक डिफाइंड है, ए से बी तक डिफाइंड है, ठीक है। और आपने जब एफ ए देखा, एफ ऑफ ए, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आपने फंक्शंस की वैल्यू देखी ए पर, वो आ गई नेगेटिव। आपने फंक्शन की वैल्यू बी पर देखी तो वो आ गई पॉजिटिव। मान लेते हैं और कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसा कोई फंक्शन है, ये वैल्यू है एफ बी और ये वैल्यू है एफ ए, तो कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, ए से बी रेंज में, एक बार उसकी वैल्यू नेगेटिव है, एक बार उसकी वैल्यू पॉजिटिव है, फॉर श्योर वो फंक्शन ए से बी के बीच में एक बार जीरो होगा, यस और नो। तो वो फंक्शन ए से बी के बीच में एक बार तो जीरो होगा ही होगा, यस और नो। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के हैं, तो एक रूट तो उसका ए से बी के बीच में होगा। ये बेसिक समझ में आया आपको इस थ्योरम का, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम? हाँ कि ना भाई? आप लोग यार कंजूसी कर रहे हो यार, आपके मास्टर की तबीयत खराब है, वो पढ़ाए जा रहे हैं मगर आप लोग एक यस लिखने में कंजूसी कर रहे हो यार, ये गलत बात है यार आप लोग की। ये चीज समझ में आई है आप लोग को? चलो बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो मैं इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। If, ठीक है, if fx is a continuous on a to b, if fx is a continuous in a to b and f a comma f b have opposite sign, then there exist, यहां लिख देता हूं, then there exist, ठीक है, at least one root, ठीक है, lies between a and b, ये लिख लीजिए। तो this is the basic for न्यूमेरिकल मेथड, आप लोग फटाफट लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा गाइस, आगे बढ़े। ठीक है, लिख लिया। आगे बढ़ते हैं गाइस, लिख लिया ना आप लोगों ने। चलिए, तो पहला तरीका जिससे हम नॉन लीनियर इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज नोन एज न्यूटन बाइसेक्शन मेथड। तो पहला मेथड हमारे पास क्या है, द फर्स्ट मेथड, और हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, हर ब्रांचेस के लिए इंपॉर्टेंट है ये यार। आप खुद भी देखिए यार, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोई भी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दूं, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, आप देखते हो कि डेली डे टू डे मैथमेटिक्स में आप लोग को इनका रूट्स निकालने की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है। इवन दो मैंने आप लोग को शॉर्टकट बता रखा है, बट कभी कभी शॉर्टकट काम भी तो नहीं करेगा, तब आपको न्यूमेरिकल मेथड की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे मेथड आपके काम आते हैं। तो फर्स्ट मेथड इज न्यूटन बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन बाइसेक्शन मेथड।
ठीक है, न्यूटन बाइसेक्शन मेथड, ये हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखो बहुत पहले लिख लीजिए, फिर उसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले एक स्टेटमेंट लिख लीजिए यहां पर, द आइट्रेशन फॉर्मूला इज, द आइट्रेशन फॉर्मूला इज, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, जहां पर इसके लिए कंडीशन क्या है, जो आपके पास रूट्स होंगे वो क्या होंगे, x इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, और कंडीशन क्या है, कंडीशन इज वेयर एफ ए डॉट एफ बी इज नेगेटिव, मतलब जो प्रोडक्ट है a और b का वह क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो और कितने मिनिमम आइट्रेशन आपको करने पड़ेंगे, द मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशन, द मिनिमम नंबर ऑफ आइट्रेशन आर गिवन बाई मोड ऑफ बी माइनस ए की पावर टू की पावर एन शुड बी लेस देन एप्साइलन, ये इसका मतलब समझाता हूं मैं। द नंबर ऑफ आइट्रेशन आर गिवन बाई बी माइनस ए अपॉन टू की पावर एन, टू की पावर एन है ये, इज लेस देन एप्साइलन, और एप्साइलन क्या है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू, एप्साइलन इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। पहले आप इतना लिखिए, इसका मतलब समझाता हूं अभी मैं आप लोगों को। डन एवरीवन, ठीक है ना, लिख लिया आप लोगों ने। अभी पहले यहां पर आप लिख लीजिए, ए क्या है, लोअर लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट ऑफ इंटरवल, बी क्या है, अपर लिमिट ऑफ इंटरवल, अपर लिमिट ऑफ इंटरवल, ठीक है, एप्साइलन क्या है यहां पर, एरर ऑफ अप्रोक्सीमेशन, और n क्या है, नंबर ऑफ आइट्रेशन, ये लिखिए। मैं इसका मतलब समझाता हूं क्या चीज है, न्यूटन बाइसेक्शन मेथड को सिर्फ बाइसेक्शन मेथड भी कहीं कहीं बोल देते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। लिख लिया सबने, आगे बढ़े। अब सुनो बहुत ध्यान से, सुनिए बहुत ध्यान से, लिख लिया। अब देखो, मान लेते हैं कोई एक फंक्शन है, ठीक है, कहां से कहां तक डिफाइंड है, बी और ए, मतलब इसके बीच में मुझे उसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है, और देखो क्या चीज है, एफ ए डॉट एफ बी इज नेगेटिव, मतलब क्या चीज है, एफ ए मतलब फंक्शन की वैल्यू ए पर या तो नेगेटिव हो जाए या फिर पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, बी पर उसके अपोजिट साइन की होगी, तभी तो इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। हो सकता है बी नेगेटिव हो, ए पॉजिटिव हो, हो सकता है बी पॉजिटिव हो, ए नेगेटिव हो, बट इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, क्लियर। अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो मैंने ये बता दिया कि इनके बीच में एक रूट आएगा। लेट अस सपोज, मान लेते हैं एफ ए जो आपका है नेगेटिव है, मतलब जो आपकी फंक्शन है उसकी वैल्यू ए पर नेगेटिव है और बी पर क्या है, पॉजिटिव है,
तो इसका मतलब रूट्स कहां पर आएंगे, एक ए से बी के बीच में रूट आएगा कि नहीं आएगा। मान लेते हैं ये जो रूट है ठीक है x1 पे आया, मान लेते हैं ये रूट x1 पे आया, और x1 क्या है ठीक है a प्लस बी डिवाइड बाई टू, ये x1 आ गया, मान लेते हैं ये x1 है x1। फिर हमने देखा f ऑफ x1 क्या है, f ऑफ x जो भी वैल्यू x1 की आएगी हम f ऑफ x1 देखेंगे, f ऑफ x1 मान लेते हैं नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया यहां पर नेगेटिव, यहां पर फंक्शन पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया द रूट्स विल लाई बिटवीन x1 टू b। तो रेंज आपकी कम होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है, रेंज आपकी कम होती जा रही है। अब आपको ये पता लग गया, पहले इतनी बड़ी रेंज में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले इतनी बड़ी रेंज में रूट था, अब आपको क्या पता लग गया कि आपका जो रूट है इस रेंज में आएगा कहीं, इस रेंज में आपका कहीं ना कहीं रूट आएगा। बात समझ में आई आपको, रेंज कम होगी कि नहीं होगी, ऐसे हम आइट्रेशन करते चले जाएंगे आपकी रेंज और छोटी होती चली जाएगी, विल बी एबल टू गेट दी रूट्स। अब मान लेते हैं आपकी रूट इसके और इसके बीच में आई, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनना यहां पर, आपने क्या किया, अब देखो बहुत ध्यान से, अब आपकी जो रेंज हो गई ये बी है और ये आपका क्या है x1 है ठीक है। एफ ऑफ x1 कितना था, एफ ऑफ x1 नेगेटिव था, एफ ऑफ बी आपका क्या था पॉजिटिव था ठीक है। अब आपको दूसरा रूट चाहिए, मान लेते हैं दूसरा रूट आपका क्या आ गया x2 आ गया, कैसे आएगा x2, fx1 ठीक है, x1 प्लस बी डिवाइड बाई टू, यहीं से तो आएगा x1 प्लस बी डिवाइड बाई टू से आपके पास x2 रूट आ गया। रूट कहां से निकल रहा है आपके पास, यहां से निकल रहा है ना, ए प्लस बी बाई डिवाइड बाई टू। अब ए और बी क्या हो गया, अब ए हो गया x1, बी हो गया बी। अब मान लेते हैं एफ ऑफ x2 जो है, एफ ऑफ x2 आपका क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, तो अब आपका रूट किसके किसके बीच में आएगा बताइए मुझे फटाफट, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, अब आपका जो रूट है किसके बीच में आएगा, नाउ योर रूट विल लाई बिटवीन x1 एंड x2, और रेंज कम हो गई आपकी, और रेंज कम हो गई। तो इस तरीके से आप क्या करते चले जाएंगे, आइट्रेशन पे आइट्रेशन लगाते चले जाएंगे। कब तक आइट्रेशन लगाएंगे ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए अब आपको पता चल गया जो आपके रूट्स हैं x1 और x2 के बीच में आएंगे ठीक है, x1 और x2 के बीच में आएंगे, ये हमने देखा यहां पर, नाउ योर रूट विल लाई बिटवीन x1 एंड x2। अब इसके बीच में रूट कौन सा होगा, क्योंकि x1 पे जो आपका फंक्शन है f ऑफ x1, इस पे जो आपका फंक्शन है वो नेगेटिव है, और f ऑफ x2 पे जो आपका फंक्शन है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया योर रूट विल लाई बिटवीन x3, इसके बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा। अब आप x3 पे देखेंगे क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव, इस तरीके से आप आइट्रेशन करते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहे हैं आप लोग, और कब तक आइट्रेशन करेंगे ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आप जब तक आइट्रेशन करेंगे जब तक दो सक्सेसिव रूट्स जो आपके हैं उनकी वैल्यू सेम ना आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने x2 रूट निकाला था, x2 रूट आपकी कितनी आ गई 1.634, x3 की वैल्यू भी 1.634, तो आपका रूट क्या हो जाएगा 1.634 आ जाएगा। तो मैं नोट के फॉर्म में लिख देता हूं, अप्लाई आइट्रेशन ठीक है टिल टू सक्सेसिव वैल्यूज आर सेम। अब आप बोलेंगे सर दो सक्सेसिव वैल्यू को सेम कब मानते हैं, न्यूमेरिकल मेथड में एक चीज की गांठ बांध लीजिए, पॉइंट्स के बाद जब तक चार डिजिट ठीक है 1 2 3 ये चार डिजिट जब तक सेम ना हो जाए तब तक हम लोग आइट्रेशन करते हैं। तो आप इतनी प्रिसीजन इतनी एक्यूरेसी के साथ काम करते हैं इन न्यूमेरिकल मेथड। बात समझ में आ रही है आप लोग को, सक्सेसिव वैल्यू सेम मतलब यहां पर आप लिख लीजिए ठीक है टिल ठीक है 4 significant digits, टिल 4 significant digits आर सेम। इतनी चीजें समझ में आई, क्वेश्चन दो इसके ऊपर, अबे बताओ बे समझ में आ रही कि नहीं आ रही है यार आप लोग को। ठीक है ये लिख लीजिए फटाफट, ये लिखने से आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन दे रहा हूं यार, लिख लिया ये वाली चीज, समझ में आया अब तक तो कोई डाउट नहीं है।
ये चलिए ये वाली स्लाइड लिखिए फटाफट। बढ़िया यार सूरज। ये लिख लिया, ये लिख लीजिए फटाफट। लिख लिया, क्वेश्चन देते हैं। चलिए आई होप लिख लिया होगा आप लोगों ने ना। चलिए देखो क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर। क्वेश्चन है द थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो इन विच इंटरवल 2 to 3 by bisection method is। method is और ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज 2.75, ऑप्शन बी इज 2.625, ऑप्शन सी आपको दिया हुआ है 2.875, ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 2.562, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए बाइसेक्शन मेथड दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, इस इक्वेशन के जो रूट हैं, पहले आप चेक कर लीजिए क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है। सॉल्यूशन देखते हैं, देखो आसान है कि नहीं, थोड़ा आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा आप लोग को। देखो पहले हम देखते हैं हमारे पास फंक्शन क्या है। फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स माइनस नाइन, ये फंक्शन है कि नहीं है। ये फंक्शन जीरो कब होगा, ये फंक्शन जीरो होगा इन टू टू थ्री। पहले हम चेक करते हैं एफ ऑफ टू कितना होगा, एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू पे वैल्यू कितनी है, 4 2 2 8 माइनस का 8, सॉरी माइनस का 8, ठीक है, और क्या हो जाएगा माइनस का 9, तो योर आंसर विल बी माइनस का 9। फिर हम देखेंगे फंक्शन की जो वैल्यू है वो 3 पर कितनी होगी, 3 पर देख लिए 3 3 9 27 27 माइनस चाहती है 12 माइनस 9 तो 21, और ये प्लस का 6 हो गया। देखिए आया कि नहीं आया, यस द कंडीशन फॉलोस। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 2 से 3 के बीच में आपको मिलेंगे। एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन विल लाई बिटवीन 2 टू 3, ठीक है। अब कहां पर होंगे रूट, ये हमें फाइंड आउट करना है बाय बाइसेक्शन मेथड। तो पहला रूट जो हमने निकाला, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा, x1 निकाल लेते हैं। x1 इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइड बाई 2, a प्लस b डिवाइड बाई 2। अब देखो a प्लस b डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 2 है, b की वैल्यू 3 है, 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। तो हमने ये बोला कि मिड पॉइंट पे इसका रूट आएगा, तो हम ये चेक कर लेते हैं, ये 2.5 हो गया। अब आप ये चेक कर लीजिए f ऑफ 2.5 कितना है, f ऑफ फंक्शन की वैल्यू 2.5 पे कितनी है, ये हमने चेक कर लिया। तो 2.5 का क्यूब और क्या चीज है, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ, माइनस आ रहा है, हाँ ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ 2.25 और फिर क्या है माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0 नहीं, इस पे चेक कर लिया हमने फंक्शन की वैल्यू कितनी है, ठीक है। इस पे आपने चेक किया तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, एक बार चेक कर लिए 2.5 का क्यूब, मेरा कैलसी कहाँ गया यार, ठीक है 3.375 ना, यहां इस
चैप्टर के लिए कैलसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और कोशिश करिए गेट कैलसी से करिएगा, ठीक है। माइनस का 3.375, दिस इज द एफ ऑफ 2.5, ठीक है। माइनस का 3.375 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3.375 आ गया माइनस का। अब देखो बहुत ध्यान से, अब देखो हमने क्या देखा, ये 3 पे, f ऑफ 3 पे जो वैल्यू है वो कितनी है, f ऑफ 3 पे वैल्यू आपकी है पॉजिटिव, और 2 पे, f ऑफ 2 पे वैल्यू है आपकी नेगेटिव, मतलब रूट इसके बीच में, और आपके पास क्या आ गया, रूट 2.5, ठीक है। तो 2.5 विल लाई हियर, 2.5, और f ऑफ 2.5 कितना है, f ऑफ 2.5 इज नेगेटिव, इज नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, योर रूट विल लाई बिटवीन 2.5 टू 3। तो ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, योर x2 विल लाई बिटवीन x2 एंड b, यस और नो, ठीक है। दैट इज 2.5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5.5 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट 2.75 आएगा ना, एक बार चेक करो, 2.5 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, सो 2.75। अब देखो बहुत ध्यान से, 2. अब आप क्या चेक करेंगे, f ऑफ 2.75 चेक करेंगे कि ये वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। तो f ऑफ 2.75 जब आप चेक करेंगे, क्यूब है, 2.75 का क्यूब माइनस का 4 टाइम्स ऑफ 2.75 माइनस का 9 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.75, ये वैल्यू आएगी पॉइंट नहीं, तीन डिजिट तक लिखिए, देखिए, हाँ तीन डिजिट तक रखिए, क्योंकि हमें चार डिजिट तक, वैसे तो चार डिजिट तक लिखना चाहिए, बट फिर भी मिनिमम, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन है, तो कम से कम तीन डिजिट लिखिए आप लोग, ठीक है। सो योर आंसर विल कम्स आउट टू बी 0.7968। मैं एक काम करता हूँ, तीन डिजिट तक ले लेता हूँ, ठीक है, 0.7968, ठीक है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, पॉजिटिव आया, मेन बात हमें क्या है, ये चेक करना है कि ये पॉजिटिव आया। तो अब आप बहुत ध्यान से देखें, एक चीज आपने ध्यान से देखी, योर रूट विल लाई बिटवीन, क्या था यहां पर, 2.5 to 3 के बीच में, 3, f ऑफ 3 कितना है, ठीक है, सॉरी इसके बीच में आ गया ना आप, f ऑफ 3 आपका कितना है, f ऑफ 3 आपका था पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर मेरे पास क्या है, f ऑफ 2.5 आपका क्या था, नेगेटिव था। अब हमारे पास क्या आ गया, 2.75 आ गया, 2.75, तो f ऑफ 2.75 कितना आया, दिस इज नथिंग बट पॉजिटिव। अब आप इसको मतलब रूट कहां से कहां लाई करेगा, योर रूट विल लाई बिटवीन 2.5 टू 2.75। अब हम आ गए थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे, नाउ द थर्ड अप्रोक्सीमेशन, यस, थर्ड अप्रोक्सीमेशन, थर्ड अप्रोक्सीमेशन मतलब x3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.75 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2, सो योर आंसर विल कम्स आउट टू बी 2.625, मतलब आपका जो रूट है अब कहां से कहां लाई करेगा, 2 से 3 पे था, अब हम कहां से आ गए, 2 से 2.625, इसके बीच में लाई करेगा, और वो भी किसके किसके बीच में, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, 2.5 से योर नेक्स्ट रूट इज 2.5 से 2.625 के बीच में आपका लाई करेगा। हम और ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं कि नहीं आते जा रहे, इस तरीके से आपको रूट मिल जाएगा। ऐसे आप आइट्रेशन करते चले जाइए, जब दो आइट्रेशन की वैल्यू सेम आ जाए, 2.625, जैसे मान लीजिए x4 आपका 2.625 आ जाए, योर रूट विल बी 2.625। क्लियर एवरीवन? सो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। द थर्ड अप्रोक्सीमेशन ऑफ दिस इज, ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2.625 आ गया कि नहीं आ गया। देखिए क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को, पहले आप मुझे ये बताइए, लिख लीजिए फटाफट, जिसने नहीं लिखा है आप लोग लिख लीजिए, आई होप ये लिख लिया।
बताएं मुझे, ये लिख लिया आप लोगों ने ये वाली स्लाइड? आगे बढ़ू, ये वाली स्लाइड लिख लीजिए। लिखा गाइस, आगे बढ़े। ये लिख लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखो यार, ऐसे क्वेश्चन देने के दो तरीके, मतलब दो पर्पज हैं। पहला पर्पस कि आप कितनी जल्दी अपना गेट कैलकुलेटर यूज कर पाते हैं, ठीक है, और दूसरा कि क्या ऐसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। एक तो क्या है कि क्वेश्चन देखते ही स्टूडेंट, जिसने मतलब लास्ट तक आते आते स्टूडेंट छोड़ देते ना, चलो छोड़ो यार, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन छोड़ देंगे, न्यूमेरिकल मेथड के भी छोड़ देंगे, बट अगर आपने पढ़े होते तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे एग्जाम में। आगे बढ़े, चलो बढ़िया यार। क्लियर? तो नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं जिससे हम लोग नॉन लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज, ठीक है, फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है, हाँ, यस, रेगुला फॉल्सी मेथड, वेरी गुड यार। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? रेगुला फॉल्सी मेथड। अब सेमेस्टर एग्जामिनेशन पे इसमें जब क्वेश्चन आते हैं तो आप आइट्रेशन बाय आइट्रेशन करते रहते हैं, 5 आइट्रेशन, 6 आइट्रेशन, 10 आइट्रेशन के बाद आपका आंसर आ जाता है। तो वही सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इसी के क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं? 10 मार्क्स के, 20 मार्क्स के। ठीक है, ये सब्जेक्ट होगा आप लोगों में न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, तो यहां पर देखिए द आइट्रेशन फॉर्मूला इज, सेकंड सेम में था ये, ठीक है, चलो जिस भी सेम में होगा, मेरे में 4 सेम में आता है ये, ठीक है, मेरी यूनिवर्सिटी में 4 सेम में आता है। तो सूरज आपकी यूनिवर्सिटी यार थोड़ी एडवांस है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए द आइट्रेशन फॉर्मूला इज, ठीक है, द आइट्रेशन फॉर्मूला इज, देखो आइट्रेशन फॉर्मूला यहां पर क्या है, ठीक है, x, आपको ये रूट निकालना है, x इज इक्वल टू a ऑफ एफ बी माइनस b ऑफ एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। सो दिस इज फॉल्स पोजिशन मेथड या फिर रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए फटाफट। और इसके लिए भी क्या कंडीशन है यहां पर, ठीक है, वेयर कंडीशन क्या है इसके लिए, एफ ऑफ ए, द प्रोडक्ट ऑफ एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी शुड बी नेगेटिव। ये लिख लीजिए, लिख लिया आप लोगों ने? चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं यार, मजेदार। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, ये आपको खुद सोचना है और सॉल्व करना है इसे। देखो जब गेट एग्जामिनेशन में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो किस पैटर्न पे आते हैं? आपसे 10 आइट्रेशन, 12 आइट्रेशन नहीं कराएगा, आपसे सिर्फ 1 या 2 आइट्रेशन कराएगा, ये चेक करने के लिए क्या आप गेट कैलसी अच्छे से चला पा रहे हैं और क्या आप, ठीक है,
क्या आपको इसके फॉर्मूले की नॉलेज है कि नहीं है? तो देखिए क्या चीज है, द सेकेंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ ऑफ 2x माइनस का लॉग बेस 10x, ठीक है, माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इन इन दी रेंज 3,4, ठीक है, बाय फॉल्स पोजिशन मेथड, इज, और ऑप्शन दिए हुए गाइज यहां पर, ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है 3.787, ऑप्शन बी आपको दिया हुआ है 3.789, ऑप्शन सी दिया हुआ है 3.689, ऑप्शन डी दिया हुआ है 3.978। अब आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद तीन डिजिट तक आ गए हम लोग, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन में। फटाफट सॉल्व करिए इसे। चलो सॉल्व करें इसे। तो देखो सबसे पहले आप ये देखिए फंक्शन जो आपका है, योर फंक्शन इज 2x माइनस लॉग ऑफ बेस 10x माइनस का 7, दिस इज द फंक्शन। अब हम ये चेक करेंगे a की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब हम ये चेक करेंगे फंक्शन की वैल्यू 3 पे और फंक्शन की वैल्यू 4 पे क्या है, तो f ऑफ a इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। अब देखते हैं फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी हो जाएगी, 2x मतलब 3 टू द 6 माइनस लॉग ऑफ बेस 10 3 माइनस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये वैल्यू चेक कर लीजिए कितनी आ गई। इसी तरीके से f ऑफ b इज इक्वल टू b कितना हो जाएगा, f ऑफ 4, f ऑफ 4 चेक कर लीजिए, 6 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स इज 8 माइनस लॉग ऑफ बेस 10 4 माइनस 7। आप चेक कर लीजिए फटाफट, देखो लॉग ऑफ बेस 3 कितना हो जाएगा, 7 6 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 1 0.522 हो जाएगा। वन पॉइंट यस माइनस का 1.477 है, आई एम सो सॉरी यार, ये मैंने गलती कर दी थी। और यहां पर देख लीजिए 8 माइनस लॉग ऑफ बेस 10 4 माइनस, यहां प्लस का 0.3979। बात समझ आ गई आप लोगों को? तो यस द रूट विल लाई बिटवीन 3 to 4। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, पहला रूट देखेंगे, योर वैल्यू विल लाई बिटवीन, अब आप इसे कन्वर्ट करेंगे, फर्स्ट आइटरेशन करेंगे, देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कैसे आएगा, हाँ 3.786, वेरी गुड, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कितना है x1, ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज fa लिख लेते हैं या x1 लिख लीजिए आपकी मर्जी है। तो क्या फॉर्मूला है आपका, ठीक है, बाय रेगुलर फॉल्सी मेथड, तो a इंटू एफ बी माइनस b इंटू fa अपॉन व्हाट इज द फॉर्मूला, fb माइनस fa, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी है ये आप देख लीजिए, a की वैल्यू आपकी 3 है और fb की वैल्यू कितनी है 0.3979, माइनस का b की वैल्यू आपकी 4 है, fa की वैल्यू कितनी है माइनस का 1.477।
अपॉन, ठीक है, एफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ बी की वैल्यू है 0.3979, माइनस का 1.477। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट दी वैल्यू एस, ये आप चेक कर लो फटाफट। थ्री पॉइंट सेवन, हाँ ये वैल्यू सही है बिल्कुल, ठीक है 3.7877, 3.7877, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अब आपको ये चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ 3.7877 पे वैल्यू कितनी होगी, फंक्शन की वैल्यू चेक कर लीजिए। तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टू टाइम्स ऑफ 3.7877 माइनस का लॉग ऑफ बेस 10 एक्स, एक्स वैल्यू कितनी है 3.7877 माइनस का 7। अब यहां पर आप चेक कर लीजिए ये फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, ये जो फंक्शन की वैल्यू है तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई है, यस और नो, नहीं नेगेटिव आई है, नेगेटिव आई है, यस। तो ये वैल्यू नेगेटिव आई है, नेगेटिव का आपका आया है 2.974। ये आई है, हाँ तो ये है ना, ये वैल्यू आएगी ना, देखो एक बार चेक करिए 3.7877 है ना, ये वैल्यू आएगी, देखो आएगी नहीं आई। सो दिस इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, हाँ ठीक है, देखो चार डिजिट तक रखना है ना, 1 2 3 4, यहां 8 और 9 अगर इतना डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। इसका मतलब क्या हो गया, योर रूट विल लाई बिटवीन, ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, आपसे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पूछा है देखो, ठीक है। तो अब आपके जो रूट्स हैं वो कहाँ कहाँ लाई करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से, आपके पास ये चीज नेगेटिव है, ठीक है, यहां पर बी है आपका, ठीक है 4, और एफ ऑफ 4 क्या है आपका, पॉजिटिव है, और यहां पर आपके पास क्या आ गया 3.7877, और एफ ऑफ 3.7877 आपके पास क्या है, ये नेगेटिव, इसका मतलब रूट आपके इसके बीच में लाई करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो आप सेकेंड अप्रोक्सीमेशन पे आ जाएंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन, यस। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन आपके पास क्या आ जाएगा, अब आपके पास जो ए है वो कितना है, एक ए आपका है 3.7877 और बी जो है वो 4 है, एफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू हमने कहीं निकाली हुई 0.3979, तो 0.3979, एफ ऑफ 3.7877 की वैल्यू कितनी है, ये आप देख लीजिए, माइनस का 0.0028, ये है कि नहीं है, 29 है, I'm so sorry। अब आपका रूट इसके बीच में लाई करेगा, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट कर लीजिए, तो ए इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए, ठीक है, अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल बी एबल टू गेट द आंसर, 3. कितना आ रहा है, 789 आ रहा है मनीष, कोई बात नहीं सॉल्व कर लीजिए इसे, ए कितना है 3.7877, ठीक है, इनटू एफ के 0.3979, 0.3979
79 माइनस का बी कितना है, 4 है इनटू 4 टाइम्स ऑफ इनटू दैट इज माइनस का 0.0029 डिवाइडेड बाय एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस 0.379 ठीक है, माइनस का 0.0029। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट दी आंसर। सेकंड अप्रोक्सीमेशन आपका आ जाएगा 3.7892। आ गया कि नहीं आ गया, आप ऑप्शन मैच कर लीजिए यहां से, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत? अब यहीं तक पूछा है, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपसे थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे आप कितने भी आइटरेशन करते चले जाइए, आपका जो रूट्स हैं वो कन्वर्ज होते चले जाएंगे, आपकी जो रेंज है वो कन्वर्ज होती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है आपको? समझ में आया भाई आप लोगों को ये क्वेश्चन? हाँ, आपको तब तक आइट्रेशन करता है जब तक आपके दो रूट्स जो हैं वो सेम ना आ जाए। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। क्लियर, लिख लिया सबने? आसान लग रहा है चैप्टर? बताओ भाई, पढ़ने के बाद चीजें आसान लग रही है ना यार, कि हाँ यार इसके भी क्वेश्चन आएगा तो कर ही ले जाएंगे, टाइम लगेगा ठीक है, बट कर ले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना कोई टफ हार्ड एंड फास्ट फिजिक्स नहीं है इसमें। हाँ, फॉर्मूला बेस्ड ही है बस, और एप्लीकेशन आनी चाहिए। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया तो एप्लीकेशन आप कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े, लिख लिया सबने? तो पहले आप कहां से स्टार्ट कर रहे थे? 3 to 4 के बीच में। अब आप क्या बता रहे हैं कि 3 से 4 के बीच में भी कहां पर होगा? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन 3.787 आया कि नहीं आया? आपने बोल दिया कि नहीं, 3 से 4 नहीं, 3.78 से 4 के बीच में होगा, और कन्वर्ज कर दिया आपने कि नहीं, थ्री यहां पर आपके पास क्या गया, 3.789, और यहां पर क्या था, 3.787। आप और एक्यूरेट आ गए कि इस इक्वेशन का रूट 3.787 से 3.789 के बीच में होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं नहीं, अगर इंटरवल नहीं दिया होगा तो दीज मेथड्स आर नॉट एप्लीकेबल, दीज मेथड्स आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन यू आर गिवन द रूट्स, मतलब आपको रेंज दी हो। जैसे अगर रेंज ना दी हो तो नेक्स्ट मेथड हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, सीकेंड मेथड, थर्ड मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन इज सीकेंड मेथड। ठीक है, सीकेंड मेथड हेडिंग डाल दीजिए। तो पहले जो दो हमने मेथड देखे, बाइसेक्शन मेथड एंड रेगुलर फॉल्सी मेथड, बोथ आर क्लोज्ड इंटरवल और ब्रैकेट टाइप मेथड, अभी लिखा दूंगा ये टेबल में, और सीकेंड मेथड और इसके बाद जो मेथड देखेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड, बोथ आर ओपन एंडेड मेथड।
ठीक है, सीकेंट मेथड में क्या होता है, यहां पर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है, द आइट्रेशन फॉर्मूला इज द आइट्रेशन फॉर्मूला इज एक्स आई प्लस वन, मतलब जो नेक्स्ट रूट आपको मिलेगा एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस वन, जो इससे पहले वाला रूट है, इंटू एफ ऑफ एक्स आई माइनस का एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन. सो काइंड ऑफ आपको रेगुलर फॉल्स ही जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है. द ओनली डिफरेंस इज यहां पर हमारे पास कोई भी रेंज नहीं होती, आपको एक गेस वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, आपको ये गेस करना पड़ेगा कि इसके रूट्स यहां पर आएंगे. चलो इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा मैं आप लोगों को, आप लोग लिख लीजिए पहले. क्या करें, ठीक है ठीक है, मैं क्लास से फ्री हो गया. लिख लिया सबने, आगे बढ़े गाइस. सेकेंड मेथड लिख लिया, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड, और इन दोनों के ऊपर मैं आपको अभी क्वेश्चन कराता हूं. ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग दे लीजिए, फोर्थ मेथड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द नॉन लीनियर इक्वेशन इज न्यूटन रैप्सन मेथड. देखिए इसमें हमारे पास रूट क्या आते हैं, द आइट्रेशन फॉर्मूला इज, द आइट्रेशन फॉर्मूला इज, क्या आइट्रेशन फॉर्मूला है यहाँ पर देखते हैं बहुत ध्यान से. ठीक है, द आइट्रेशन फॉर्मूला इज एक्स आई प्लस वन. ठीक है, आपको जो नेक्स्ट रूट आपको मिलेगा वो क्या कैसे मिलेगा, एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव होते हैं ना, तो इसलिए बहुत ईजिली निकल आता है, जीरो वन टू एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये चीज है. अब जैसे इस आइट्रेशन फॉर्मूला पे आपको जब फर्स्ट रूट चाहिए होता है, ठीक है, तो एक्स आई क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स आई फर्स्ट रूट इज नथिंग बट एफ ऑफ, ठीक है, एक्स, ठीक है, यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ जीरो माइनस का एफ ऑफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो. आपको फर्स्ट रूट चाहिए, सेकंड रूट चाहिए इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ डैश एक्स आई एक्स वन. ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे कंटिन्यूशन चलते रहेंगे और यहां पर कन्वर्ज होता चला जाएगा. फटाफट लिखिए आप लोग. लिख लिया सबने, आगे बढ़े. अब एक बहुत ध्यान से देखिए, अब तक हम लोगों ने चार मेथड कर लिए. ठीक है, हम लोगों ने पहला मेथड किया बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन बाइसेक्शन मेथड. दूसरा हमने क्या किया, रेगुलर फॉल्सी मेथड.
तीसरा हमने क्या किया, ठीक है, सीकेंट मेथड। चौथा हमने किया न्यूटन रैप्सन मेथड। आप पहले दो मेथड देखिए, पहले दो मेथड के लिए हमारे पास रेंज दी होती है ए से बी, तो इसका मतलब क्या हो गया, 100% वी विल गेट दी रूट्स। बट सीकेंट और न्यूटन रैप्सन में क्या होता है, रेंज नहीं दी होती है, तो रूट्स में कन्वर्ज और डाइवर्ज। बात समझ आ रही है आप लोगों को, मतलब कि आप जो रूट्स फाइंड आउट कर रहे हैं, गेस वर्क जो कर रहे हैं, हो सकता है रूट कन्वर्ज कर जाए, हो सकता है डाइवर्ज कर जाए, मगर बाइसेक्शन मेथड में आपने देखा और रेगुलर फॉल्सी में देखा, रूट आपके क्या हो रहे हैं, कन्वर्ज ही कर रहे हैं, मतलब 3 से 4 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। आपने ये बता दिया नहीं, 3 से 4 के बीच में 3 से 3.78 के बीच में आएगा, 3.78 से 4 के बीच में आएगा। फिर आपने और ज्यादा कन्वर्ज कर दिया कि नहीं, 3.78 से 4 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, तो रूट कहां से कहां के बीच में आएगा, 3.78 से 3.7892 के बीच में आएगा। बात समझ में आ रही, इसे बोलते हैं कन्वर्ज होना। क्लियर एवरीवन? सो पहले दो मेथड से कन्वर्जिंग रूट्स आते हैं, सेकंड मेथड, तो इसके बारे में मैं लिख देता हूं। तो देखिए, दो मेथड को हम अलग कैडर में रखते हैं, दो मेथड को हम अलग कैडर में रखते हैं। देखो कौन कौन से दो मेथड है, एक तो बाइसेक्शन मेथड और दूसरा आपका क्या है, रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, दोनों ही मेथड में 100% हमारे रूट्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, रूट्स आएंगे मतलब कन्वर्ज हो रहे हैं। बात समझ में आ गई, कन्वर्जेस, रूट्स आपके क्या होंगे, कन्वर्जेस। ठीक है, 100% रूट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और कि दूसरे जो मेथड है, सीकेंट मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड, इसमें कन्वर्ज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि सर जब यहां पर सर्टेनिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, तो ये दोनों मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं। द आंसर इज स्पीड। द स्पीड टू फाइंड द रूट्स इज, अगर कन्वर्ज हो रहे होंगे, आपका गेसवर्क अच्छा हो गया, तो फटाफट रूट्स आपके आ जाएंगे। यहां पर देखो, बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी मेथड में मल्टीपल टाइम आइटरेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको रूट्स मिलेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, मे कन्वर्ज, मे और may not converges। ठीक है, यहां पर इसके ड्रॉबैक क्या है बाइसेक्शन और रेगुलर फॉल्सी के, कि स्पीड इसकी क्या होती है, कम होती है। मतलब स्पीड कम मतलब बहुत देर बाद, आफ्टर सो मेनी आइटरेशन आपको रूट्स मिलेंगे। यहां पर क्या है कि स्पीड बहुत तगड़ी होती है। क्लियर एवरीवन? तो यहां पर मैं लिख देता हूं, स्पीड इनकी बहुत अच्छी होती है, स्पीड इज ग्रेटर। ठीक है, ये लिख लीजिए, इसकी मैं टेबल भी बना देता हूं आप लोगों के लिए। लिखा सबने? लिखा? चलिए, ये टेबल बना लीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है ना, चलिए यहां पर हम लिख देते हैं मेथड। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं स्पीड। ठीक है, कन्वर्जेंस। ठीक है,
यहां पर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, नंबर ऑफ गेस और यहां पे टाइम। ठीक है, तो पहला आपके पास क्या है, बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड की जो स्पीड होती है वो स्लोअर होती है। ठीक है, रूट कन्वर्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे कन्वर्ज। ठीक है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बस फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ गैस, ठीक है टू गैस आर नीडेड, कम से कम तो टू गैस आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और टाइप क्या है, इट इज अ क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब यहां पर आपको लिमिट्स दी ही होंगी। ठीक है, सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड इज नथिंग बट फॉल्स पोजिशन। ठीक है, इसकी स्पीड क्या है, स्लोअर है। यहां पर भी रूट आपको कन्वर्जेंस मिलेंगे ही मिलेंगे, कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस। ठीक है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, नंबर ऑफ गेस टू, इट इज ऑल्सो क्लोज एंडेड। थर्ड वन इज नथिंग बट, ठीक है, सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड, सीकेंट मेथड की जो स्पीड होती है वो मीडियम होती है। ठीक है, यहां पर क्या रूट कन्वर्ट करेंगे, मे और मे नॉट कन्वर्ट, मे और मे नॉट कन्वर्ट। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, 1.62। ये ऑर्डर क्या होता है, अभी मैं आपको समझाता हूं। नंबर ऑफ गैस कितने चाहिए, यहां पर भी टू गैस चाहिए। ठीक है, क्लोज एंडेड इट इज ओपन एंडेड, मतलब यहां पर लिमिट्स नहीं दी होती हैं। वाइल द लास्ट मेथड इज नथिंग बट द न्यूटन रैप्सन। न्यूटन रैप्सन यहां पर जो स्पीड है, ठीक है, वो कैसी है, फास्टर है। बहुत जल्दी हमारे रूट यहां पर अगर कन्वर्ज हो रहे होंगे तो बहुत जल्दी आपको रूट मिल जाएगा यहां से। ठीक है, यहां पर भी मे और मे नॉट कन्वर्ज। क्लियर, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, यहां पर टू, सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस है। ठीक है, नंबर ऑफ गेस कितने चाहिए, वन चाहिए। इट इज ऑल्सो ओपन एंडेड, ओपन एंडेड, ओपन एंडेड। ये टेबल लिख लीजिए फटाफट। तो मुझे आपको ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस सिखाना है। लिखिए, हाँ, नंबर ऑफ हाइड्रेशन रिक्वायर्ड, कम से कम, कम से कम लिखा है मैंने यहां पर। लिख लिया टेबल, यार इसमें, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है ही नहीं, बस फॉर्मूले बस समझ में आने चाहिए। लिख लिया, आगे बढ़े। क्लास कब तक होगी, क्लास होगी आधा घंटा और होगी।
ये लिख लिया, कल क्लास नहीं है, फिर परसों से क्लास होगी आपकी, ठीक है, कल मुझे कहीं ट्रैवल करके जाना है, ठीक है, साइट विजिट पे जाना है, परसों से फिर क्लास होगी आपकी, फिर साइट विजिट पे जहां पर होगा वहां पर मैं आपकी क्लास ले लूंगा। लिख लिया सबने। अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मतलब देखिए न्यूटन रैप्सन का टू है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मतलब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रूट आया, मान लेते हैं एक्स आई रूट मेरे पास आ गया, ठीक है, 0.02 का उसमें एरर था, और जैसे ही आप एक्स आई प्लस वन नेक्स्ट पे आ जाएंगे तो किस ऑर्डर का आपका किस ऑर्डर तक कन्वर्ज हो चुका होगा, 0.0004, ठीक है, 0004। देखो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे इस ऑर्डर तक आप एरर पे पहुंच चुके होंगे। जैसे मान लीजिए आईएथ रूट में जो एरर है 0.02 का है, तो एक्स आई प्लस वन में जो एरर होगा 0.0004, मतलब इसके स्क्वायर सेकंड ऑर्डर पे आप पहुंच गए, और ज्यादा प्रिसाइज हो गए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए कि आपका जो रूट है वो है लेट अस सपोज 4.73213 ऐसे कुछ है, ठीक है, तो आप जो रूट निकालोगे यहां से वो कितना आ जाएगा 4.7, ठीक है, 30 ऐसे 00 ऐसे कुछ आ जाएगा। तो देखो कहां कितना रूट तक आप कितना क्लोज पहुंच गए ट्रू वैल्यू के, 0.0, ठीक है, 0.0002 तक पहुंच गए, लेट अस सपोज यहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट आइट्रेशन में जो आप रूट पे पहुंचोगे वो किस पे पहुंचोगे, 4.7321, ठीक है, यहां पर कुछ आपका वेरिएशन आएगा, तो मतलब आप रूट के इतने क्लोज पहुंच जाएंगे। तो किस ऑर्डर से कन्वर्ज हो रहा है, देखिए बहुत ध्यान से, टू ऑर्डर से कन्वर्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो भी वैल्यू होगी उसके बाद उसके स्क्वायर मतलब सेकंड और ज्यादा डिजिट्स पे वो क्लोज पहुंच चुका होगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 1 1, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? और क्वेश्चन करें इसके ऊपर, ये टेबल पूरी लिख ली आप लोगों ने? आगे बढ़ते हैं यार गाइस, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं न्यूटन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, ठीक है, वन स्टेप ऑफ न्यूटन रैप्सन मेथड इज मेथड इन सॉल्विंग द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 गिव्स दी मीन वैल्यू एज एक्स एज ऑप्शन ए 0.5, ऑप्शन बी 1.5, ऑप्शन सी ठीक है 1.406, ऑप्शन डी 2, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बहुत ध्यान से, आपको x नॉट की वैल्यू 1 दे दी है, तो फर्स्ट रूट जो आपको फाइंड आउट करना है, जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू आएगी वो x x x1 आएगी कि नहीं आएगी, तो पहले आपने x fx निकाल लिया। फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन इज नथिंग बट x क्यूब प्लस 3x माइनस 7, ये है फंक्शन। अब आपने f डैश x निकाल लिया, f डैश x कितना है 3x स्क्वायर प्लस 3,
अब आप बहुत ध्यान से देखिए, एक्स नॉट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 1 दी हुई है। तो आप सबसे पहले एफ एक्स नॉट निकाल लीजिए, एफ एक्स नॉट मतलब एफ ऑफ 1, हाँ 1.5, वेरी गुड यार, वेरी गुड। एफ ऑफ 1 इज नथिंग बट 1 प्लस 3, 4 माइनस 7, 4 और माइनस 7 इज माइनस 3, ठीक है। एफ डैश एक्स नॉट मतलब क्या हो गया, एफ डैश 1 निकाल लीजिए, 3 प्लस 3, 6। तो आपको फर्स्ट आइटरेशन चाहिए ना, वन स्टेप ऑफ न्यूटन रैप्सन आपको चाहिए, तो आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, एक्स वन आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट अपॉन एफ डैश एक्स नॉट। मतलब क्या हो गया, एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी, एक्स नॉट की वैल्यू है 1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इज एफ ऑफ 1 अपॉन एफ डैश 1। सो व्हाट विल बी योर आंसर, 1 माइनस एफ ऑफ 1 इज नथिंग बट माइनस का 3, ये कितना आ गया 6, तो ये हाफ हो जाएगा, 1 प्लस हाफ इज नथिंग बट 1.5 इज योर आंसर। वन स्टेप आप पहुंच गए, तो ऑप्शन देख लीजिए यहां पर कौन सा है आपका, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो आया सामने, लिख लिया भाई, बताओ भाई मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन दूं, निकाल के दिखाओगे आप लोग, गेट के 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने सारे स्टूडेंट निकाल के दिखाते हैं। तो देखो आप बोलेंगे सर ये सॉल्यूशन है क्या, नहीं सॉल्यूशन नहीं है ये, इसके रूट्स नहीं है। अब जैसे रूट आ गया 1.5, अब आप सेकंड आइटरेशन पे आ जाएंगे, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, जैसे ही जो वैल्यू आपकी इक्वल आ जाएगी दैट इज द रूट, वही आपके रूट होंगे इस इक्वेशन के। तो आप क्या देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट्स निकाल लिए कि नहीं निकाल लिया आपने, तो आपको एक रूट मिल जाएगा यहां से। समझ में आया आपको, चलिए क्वेश्चन करते हैं गेट के 2 मार्क्स का। ये क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द सीरीज एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन बाई 2 प्लस का 9 अपॉन 8 एक्स एन, ठीक है, जिसमें x नॉट की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 0.5 दी हुई है, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है, न्यूटन रैप्सन मेथड कन्वर्जेस टू ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 1.6, ऑप्शन सी रूट 2, ऑप्शन डी 1.4, ये दिया हुआ। अब जो आपको फॉर्मूला है वो खुद ही दे दिया है कि न्यूटन रैप्सन मेथड से कोई सीरीज ऐसे कन्वर्ज हो रही है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन अपॉन 2 प्लस 9 बाई 8 एक्स एन, तो एक्स नॉट की वैल्यू 0.5 है, ये कहां पर कन्वर्ज होगी ये आपको फाइंड आउट करना है, फटाफट फाइंड आउट करिए। लिख लीजिए, चलिए केशव मैं करता हूं क्लास के बाद कॉल, ठीक है। लिखा भाई,
चलो सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, लिख लिया सबने। देखो कोई सीरीज, एक तो इन टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप एक नोट लिख लो हमेशा के लिए, याद रखिएगा। नोट क्या लिख लीजिए, कोई भी सीरीज कब कन्वर्ज होती है, कोई भी सीरीज कब कन्वर्ज होती है, जब आपका एक्स एन प्लस वन या फिर एक्स एन, ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। भाई जब nth रूट या n प्लस वनth रूट आपके जब सेम आ जाते हैं तो कन्वर्ज हो जाती है सीरीज, मतलब वो उसका रूट होता है कि नहीं होता है, यस और नो, है ना, यस और नो, जल्दी बताइए मुझे, ये बात समझ में आई। जैसे फॉर एग्जांपल 10th आइट्रेशन आया 1.023, 11th आइट्रेशन भी क्या आ गया 1.023, मतलब उस सीरीज का जो रूट होगा वो कितना होगा, 1.023 होगा। तो कोई सीरीज कब कन्वर्ज होती है, जब आपका nth रूट और n प्लस वनth रूट आपका क्या हो जाए, अल्फा हो जाए, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, आपका एक्स एन प्लस वन जो आपको दिया हुआ है, तो ये सीरीज क्या दी हुई है, एक्स एन बाई टू प्लस का 9/8 एक्स एन, तो एक्स एन प्लस वनth रूट क्या है आपका, अल्फा है इसका आंसर। हाँ वेरी गुड यार, वेरी गुड यार मोनिश, बहुत बढ़िया, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बाई टू प्लस 9/8 अल्फा, गेटिंग माय पॉइंट। यहां पर आपने क्या किया, इस अल्फा को इधर ले गए, अल्फा माइनस अल्फा बाई टू इज नथिंग बट, ये कितना हो जाएगा, या आप यहां पर एलसीएम ले लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, अल्फा माइनस अल्फा बाई टू इज अल्फा बाई टू हो जाएगा, अल्फा बाई टू इज इक्वल टू यहां पर कितना हो गया, इज इक्वल टू 9/8 अल्फा, 9/8, तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, 3/4, 3/4 इज सॉरी 9/4, 9/4 इज 3/2, अल्फा इज स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, तो 9/4 इज नथिंग बट अल्फा इज क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 3/2, तो अल्फा की वैल्यू 1.5 आ गई, तो अल्फा इज इक्वल टू 1, तो रूट कितने आ गए आपके, 1.5 आ गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका अल्टरनेट मेथड भी आपको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, इसका अल्टरनेट मेथड भी आपको, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, तो यहां इस चैप्टर से दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप का कि आपको लीनियर इक्वेशन दे दे, आपसे रूट्स पूछ ले। सेकंड, आपको कोई सीरीज दे दे, मतलब कि वो रूट्स उस सीरीज को सेटिस्फाई करेंगे, तो आप क्या निकाल लोगे, वो रूट्स निकाल लेंगे कि निकाल लेंगे, बताइए मुझे, ऑप्शन ए दी करेक्ट आंसर। देखिए दो मार्क्स का सवाल था, कितनी जल्दी बन गया आपका। इसका अल्टरनेट मेथड करते हैं, ठीक है, इसका अल्टरनेट मेथड करते हैं, देखिए क्या होगा अल्टरनेट मेथड। ठीक है, नाउ व्हाट इज द अल्टरनेट मेथड, इसका अल्टरनेट मेथड क्या होगा, हमें क्या सीरीज दी हुई है, एक्स नॉट की वैल्यू 0.5 दी हुई है, ठीक है, तो मैं ऐसे रूट्स निकालता चला जाऊंगा, जब दो रूट्स आपके सेम आ जाएंगे दैट विल बी योर आंसर। तो एक्स एन प्लस वन कितना हो जाएगा, मतलब एक्स वन कितना हो जाएगा, मैं लिख लेता हूं, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक्स एन बाई टू प्लस 9/8 एक्स एन, मैं अगर जीरोथ रूट निकाल लो, जीरो रूट क्या हो जाएगा, एक्स वन, फर्स्ट रूट इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई टू प्लस 9/8 एक्स नॉट, और एक्स नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, एक्स नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है 1, तो यहां पर जो फर्स्ट रूट आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 9/8, 9/8 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, ये 2.5 आ गया आपके पास, 1 है कि 0.5 है, 0.5 हम, सो सॉरी 0.5 है ये ना, 0.5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई यहां पर 0.5, तो यहां पर जब आप सॉल्व करेंगे 0.5 डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस 9/8 0.5, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.5, फर्स्ट रूट इज 2.5। सेकेंड पे हम आ जाते हैं, सेकेंड आइटरेशन करते हैं, एक्स टू इज इक्वल टू एक्स वन माइनस, ठीक है, 9/8 एक्स वन, तो सेकेंड रूट आपके पास क्या आ गया, एक्स वन, आइटरेशन वैल्यू एक्स वन की वैल्यू कितनी, 2.5, 2.5 माइनस 9/8 इंटू 2.5, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.7। फिर आप थर्ड आइटरेशन करेंगे, थर्ड आइटरेशन इज इक्वल टू सेकेंड एक्स टू माइनस 9/8 ऑफ एक्स टू, एक्स टू की वैल्यू कितनी है, एक्स टू बाई टू है ना, बाई टू है, ठीक है, 2.5 डिवाइड बाई टू,
तो 1.7 डिवाइड बाय 2 माइनस 9 बाय 8 इनटू x2 इज 1.7। जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू एज 1.51। ये आएगी कि नहीं आएगी? अब आप फोर्थ निकाल लीजिए। जब आपने फोर्थ निकाल लिया तो x3 बाय 2 माइनस का 9 बाय 8 ऑफ x3 इजी क्वेश्चन। x3 की वैल्यू कितनी? 1.51। 1.51 डिवाइड बाय 2 माइनस का 9 बाय 8 इनटू 1.51। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे यू गेट द वैल्यू एज 1.5। ठीक है, अब भी कन्वर्ज नहीं हुआ क्योंकि 1.50 1.51। अब फिफ्थ आइटरेशन जब आप करेंगे x4 डिवाइड बाय 2 माइनस का 9 बाय 8 ऑफ x4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 डिवाइड बाय 2 माइनस 9 बाय 8 ऑफ 1.5। तो यहां से जब आप आंसर निकालेंगे यू विल गेट द आंसर एज 1.5। तो कन्वर्ज हो गए कि नहीं हो गए? तो फिफ्थ आइटरेशन पे कन्वर्ज हुआ है बट द रूट इज 1.5। किस वैल्यू पे कन्वर्ज हो रहे हैं? इससे पहले वाला, फोर्थ वाला। अच्छा, इससे पहले वाला मेथड। देखो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, हम कब तक कन्वर्ज करते हैं? देखो जैसे यहां पर फिफ्थ रूट, फिफ्थ आइटरेशन 1.5 आया, फोर्थ आइटरेशन 1.5 आया। तो जब दो वैल्यूज सेम आ जाती हैं, दो आइटरेशन सेम वैल्यू देते हैं, वही रूट होता है। तो रूट की वैल्यू हमें निकालनी है यहां पर। अल्फा हमारा रूट है मान लेते हैं, तो एक्स एन प्लस वन और एक्स एन हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। जब दो रूट आपके सेम हो, एनथ और एन प्लस वन रूट आपका जब सेम होता है तो कन्वर्ज हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स एन प्लस वन और एक्स एन की वैल्यू रख दीजिए अल्फा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। किस वैल्यू पे कन्वर्ज होगा? 1.5 पे कन्वर्ज हो गया। रिलेशनशिप दिया था आपने, वैल्यू पुट करके देख ली, विल गेट द आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। या एक काम कर लीजिए आप, ये क्वेश्चन तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस में देखिए ये रूट दिए हुए, आप ये चेक कर लो 1.6 यहां रखने पे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। 1.6 इज इक्वल्स टू 1.6 बाय 2 प्लस 9 बाय 8 इनटू 1.6। आप चेक कर लो क्या ये कन्वर्ज हो रहे हैं? नहीं होंगे। रूट टू पुट करके देख लो क्या कन्वर्ज हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। 1.4 कन्वर्ज करके देख लो, 1.4 पे भी कन्वर्ज नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड मेथड शॉर्टकट, और ज्यादा शॉर्टकट चाहिए, वैल्यू पुट करके देख लीजिए, विल गेट द आंसर। बताएं मुझे समझ में आया? अगला क्वेश्चन दूं, लॉजिक लगा के आंसर निकालेंगे। समझ में आ गया? तीन तीन मेथड बता दिए, कहीं से भी निकाल लो आंसर। अब खाली बैठे हो एग्जाम में तो आइट्रेशन बाय आइट्रेशन करते चले जाओ, आपका आंसर निकल आएगा। ये मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है? जैसे जैसे सीरीज एड, सीरीज वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, 1+2+3+4+10 up to 50, ठीक है? तो जोड़ते चले जाओ, क्या दिक्कत है? 1+2 3, 3+3 6, 6+4 10, जोड़ते चले जाओ, क्या दिक्कत है? खाली बैठे तो यही कर ले। कुछ मार्क्स भी आ जाते हैं ना तो भी आपकी ऑल इंडिया रैंक, आप फिर भी क्या कहते हैं 50-60 हजार लोग को पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि कई नमूने तो ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ तुक्का मार के आते हैं, ठीक है? बिना पढ़े जाते हैं, तुक्का मार के आते हैं, ठीक है? तो उनके नेगेटिव आते हैं। आप किसी से पूछिएगा, कभी ऐसा स्कोर कार्ड मुझे दिखेगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप एक क्वेश्चन भी करेक्ट कर देते हैं तो भी आप 50-60 हजार लोगों को पीछे छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ में आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और बिल्कुल लॉजिक से आंसर निकालिएगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, गेट के 2 मार्क्स का है क्वेश्चन, है द न्यूटन रैप्सन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम फॉर एफ एक्स, फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x - a इज, ठीक है? अब देखो
ऑप्शन ए, ऑप्शन से यहां पर आंसर निकाल ले जाओगे, एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स आई प्लस ए अपॉन एक्स आई। ऑप्शन बी जो आपका है एक्स आई प्लस वन जो आपका जो रूट है ठीक है, ए बाई टू इंटू एक्स आई का स्क्वायर प्लस का एक्स आई। ऑप्शन सी जो आपका है दैट इज एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स आई माइनस का ए एक्स आई स्क्वायर। ऑप्शन का डी इज नथिंग बट एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस का ए बाई टू इंटू एक्स आई का स्क्वायर। ये लिखिए पहले, बहुत इजी है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। न्यूटन रैफसन मेथड क्या होता है, ठीक है, जो आपको फर्स्ट एक्स आई प्लस वन एट रूट चाहिए तो एक्स आई माइनस का एफ एफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई, उससे आंसर निकल आएगा तुरंत आपका। सॉल्व करिए फटाफट। वेरी गुड रॉय, वेरी वेरी गुड। वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत अच्छा लॉजिक लगाया। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, आपको पता है फ्रॉम न्यूटन रैफसन मेथड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जो होता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन इज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एक्स आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई अपॉन एफ डैश एक्स आई, यही तो होगा। तो एक्स ऑफ एफ आई प्लस वन, आपको एक्स ऑफ आई प्लस वन रूट चाहिए, एक्स आई की वैल्यू कितनी है, ठीक है, एक्स आई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, ठीक है, एक्स आई के फॉर्म में हम लोग निकाल लेते हैं, दैट इज एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई। एफ ऑफ एक्स आई आपको कितना दिया हुआ है, जहां एक्स है वहां एक्स आई लिख दीजिए, तो वन अपॉन एक्स आई माइनस का ए अपॉन एफ डैश एक्स आई। तो एफ एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो ए का जीरो हो जाएगा, वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स आई का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप यहां पर ठीक है, ये एक्स एक्स आई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, यस और नो, तो एक्स ऑफ आई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स आई प्लस का एक्स आई का स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में कितना है, वन अपॉन एक्स आई माइनस ए है, तो वन अपॉन एक्स आई माइनस का ए। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये एक्स आई आ जाएगा प्लस का, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई आ जाएगा माइनस का ए एक्स आई आ जाएगा, ठीक है, ए एक्स आई स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आई ऑफ एक्स आई एक्स ऑफ एक्स आई प्लस वन, तो टू एक्स आई माइनस का ए इंटू एक्स आई का स्क्वायर। देखो सिंपल, आपको बस लॉजिक लगाना था, यू विल गेट द आंसर। आप ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सी आप देख लीजिए, मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑप्शन सी फॉर कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। बताएं मुझे समझ में आया ये चीज, अभी समझ में आ रहा है आप लोग को, 2 घंटे से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, चीजें समझ में आई, पूरे मार्क्स आने चाहिए इसमें, याद रखिएगा, अगेन एंड अगेन मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, इस चैप्टर से पूरे मार्क्स आने चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन से पूरे मार्क्स आने चाहिए, कैलकुलस से पूरे मार्क्स आने चाहिए, बहुत वर्स्ट केस में नंबर कटने चाहिए आप लोग के, ये ध्यान रखिएगा। बहुत मेहनत से पढ़ाया है मैंने आपको, वो भी स्पेशल क्लास में लड़ के पढ़ाया है इस अनअकैडमी टीम से। चलो एक और क्वेश्चन दूं आप लोगों को,
अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है? इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0 इज टू बी सॉल्व न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली स्टार्टिंग विद, स्टार्टिंग विद इनिशियल गैस, एक्स नॉट इज इक्वल टू 3, ठीक है, द न्यूटन रैप्सन मेथड इज अप्लाइड वंस टू गेट न्यू एस्टिमेट। ठीक है, एंड देन चलिए गाइस, अब आ गया चलिए स्टार्ट करें, ठीक है यार, बीच बीच में देखो नेट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। द न्यूटन रैप्सन मेथड इज अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड वंस यूजिंग
हो रहा है यार।